Assalamualaikum and welcome back to my channel. It's me Nishu Khan. अगर आप सोच रहे हो मैंने चश्मा क्यों लगाया है, तो कैमरा जो है वो बहुत दूर है और इतनी दूर से मुझे नज़र नहीं आता. That's why I am wearing this बड़ा सारा चश्मा. तो आज की वीडियो जो है उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कुछ PR packages जो मुझे कंपनी से रिसीव हुए हैं, और साथ ही साथ मैं कुछ अपनी शॉपिंग भी आपसे शेयर करूँगी. और सो सॉरी कि मैं बिल्कुल ही गायब हो गई थी. वो इसलिए कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी. नाउ आई एम फीलिंग बहुत ही अच्छा, सो आई एम बैक. तो बहुत सारी वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगी ऑन डेली बेसिस हो सकता है. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. पसंद आए तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो मैंने यहीं एक शॉपिंग मॉल से ख़रीदी थी कुछ चीज़ें, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. अक्सर लड़कियां मुझे बोलती हैं हमारे साथ कोई वैक्स शेयर करें जो कि आप खुद यूज़ करती हैं. जो मैं खुद यूज़ करती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि लोकल मार्केट में इतनी सारी बीन वैक्सेस थी और मैंने सबकी सब यूज़ किए हैं और बहुत ही बेकार हैं वो, क्योंकि वो जब आप अप्लाई करते हो वो सूख जाती हैं और वो एक साथ पूरी नहीं हटती, यानी टूटती रहती हैं. लाइक आप अगर उसे उतारोगे, हाथ पे लगाते हो और उतारते हो तो जगह जगह पे टूटती रहती है, तो बहुत पेनफुल होता है. तो बहुत सारी यूज़ करने के बाद आई यूज्ड दिस वन, एंड दिस इज़ कॉल्ड रिवाज यूके की बीड्स वैक्स विद नो स्ट्रिप्स. और ये बहुत ही हाइजेनिक होता है. मैं इसे हर महीने एक बॉक्स ख़रीदती हूँ. असल में जो है मैं इसमें छोटा बॉक्स ख़रीदती थी, पर छोटा बॉक्स जो था वो अवेलेबल नहीं था, तो मैंने ये बड़ा बॉक्स पिक किया. आई थॉट कि ये होगा कुछ 600 से 700 रुपीज़ का, लेकिन जब मैंने बिल पे किया तो ये सबसे महंगा था. लाइक 950 रुपीज़ इसकी प्राइस थी, और छोटे वाले की जो प्राइस है वो 550 रुपीज़ है. बट 950 हो 550 हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो चीज़ आपको मिल रही है दैट इज़ सो गुड. इसको असल में ना, जिसको नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, इसको आपको मेल्ट करना होता है. लाइक ये बीन शेप में है. मेल्ट करने के बाद जो है आप इसे यूज़ कर सकते हो, और इसमें कोई स्ट्रिप्स की ज़रूरत नहीं होती. लाइक वो लगाओ वो फिर स्ट्रिप लगाओ फिर हटाओ, ना ये आप अपने हाथ में लगाते हो, थोड़ा सा ये सूख जाता है और एक साथ ही पूरा आप इसे रिमूव करते हो और आपके सारे बाल जो है वो रिमूव हो जाते हैं. आप इसको किसी भी एरिया के लिए यूज़ कर सकते हो. यू कैन यूज़ इट फॉर योर अंडर आर्म्स, प्राइवेट एरियाज़, हाथ पैर, कहीं के लिए भी यूज़ कर सकते हो. एंड आई टोटली रिकमेंड इट. नेक्स्ट दो चीज़ें मैंने ख़रीदी हैं वो है हेयर कलर. माई मोस्ट फेवरेट ब्रांड जो कि है वो है गार्नियर कलर नेचुरल का शेड, और ये है 5.3. ये मैंने क्यों ख़रीदा है, ये मैंने अपने रूट टचअप्स के लिए ख़रीदा है, क्योंकि मेरे रूट्स जो हैं वो बहुत ही जल्दी बड़े हो रहे हैं. लाइक बाल मेरे बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, तो उसके लिए मुझे टचअप्स की ज़रूरत है. और इस महीने में तो तकरीबन तीसरी बार है कि मुझे रूट टचअप करना पड़ा है. देन जो मैंने बलियाज कराया था वो बहुत ही येलोइश और ऑरेंज हो रहा है, तो उसके लिए मैंने ख़रीदा है लॉरियल का एक्सीलेंस क्रीम इन शेड 9.1, और ये है शेड वेरी लाइट एश ब्लॉन्ड. और इसको मैं अप्लाई करूँगी अपने बालों पर. दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट हेयर कलर इन मार्केट. थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट आपके बालों को डैमेज नहीं करता. लाइक वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपके बाल जो है वाइट हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम इससे नहीं होती. सो जो नेक्स्ट थिंग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो मुझे रिसीव हुआ था PR पैकेज में, और ये है क्यूने का ब्लो ड्राई स्प्रे. अगर आप अपने बालों को ब्लो ड्राई करते हो आपको पता ही होगा कि कितने ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, और इस स्प्रे के साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता. आई यूज्ड इट ट्वाइस और आपके बाल बहुत ही स्मूथ, सिल्की एंड शाइनी हो जाते हैं इसके यूज़ के बाद. तो ये आपको कहाँ से मिल सकता है उसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. इस बॉटल में आपको 200 ml स्प्रे मिलती है, बहुत ही काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है इसमें, एंड स्मेल्स गुड. यस, स्मेल्स रियली गुड. शॉपिंग हो और कपड़े बीच में ना हो तो ईद के बाद भी मेरी ईद ही हो गई, क्योंकि सेलेटेक्स ने अपनी न्यूली लॉन्च लाइन जो है कपड़ों की, लाइक वो वट एवर लॉन्च की है, और उन्होंने मुझे दो ड्रेसेस सेंड किए हैं. बट लेट मी टेल यू वन थिंग गर्ल्स, के इनके ड्रेसेस बहुत ही अच्छे हैं विद रीजनेबल प्राइजेस. लाइक अगर आप किसी और ब्रांड के ख़रीदने जाओ तो यू विल गेट इट फॉर 4000 5000, लाइक 7000 से तो कोई जोड़ा शुरू ही नहीं होता ब्रांडेड ड्रेसेस में. बट यू विल गेट टन्स एंड टन्स एंड टन्स एंड ब्यूटिफुल डिज़ाइंस सेलटेक्स के न्यू रेंज में, दैट इज़ कॉल्ड रोको, जो कि डिजिटल प्रिंटिंग ड्रेस है.
साथ में सिल्क का दुपट्टा है, बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेसेस हैं इनके। डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप देखना ज़रूर, चेक इट आउट। मैं नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप ज़रूर 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 देखिएगा इनके ड्रेसेस। बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं इनके, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। फर्स्ट ड्रेस जो है वो मैं आपको दिखाती चलूँ, एंड फर्स्ट ड्रेस जो इन्होंने मुझे भेजा है वो है, तो वो दिखता है कुछ इस तरह से, तो समथिंग लाइक दिस। दुपट्टा मैं इसको आपका दिखा दूँ, इसका दुपट्टा मैं सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि दुपट्टे जो हैं इसके वो बहुत ही प्यारे दुपट्टे हैं। दुपट्टे पर भी डिजिटल प्रिंटिंग हुई हुई है, और ये मुझे अनस्टिच उन्होंने भेजी थी, क्योंकि आई टोल्ड देम कि मैं इन्हें खुद स्टिच करूँगी अपने डिज़ाइन में अपने तरीके से। सो दे सेड ओके, कोई मसला नहीं है। तो आप देख सकते हो दुपट्टे पर बहुत प्यारी डिजिटल प्रिंटिंग हुई हुई है, बहुत ही सॉफ्ट एंड कम्फर्टेबल हैं ये दुपट्टाज। अगर आपको इनके शिफॉन दुपट्टों के ड्रेसेस नहीं ख़रीदने, तो आप इनके बाकी कलेक्शंस में भी देख सकते हो। इनके बाकी जो कलेक्शन है उसकी शिफॉन दुपट्टे पे फुल एम्ब्रॉयडरी हुई है, जो कि आपके सर से जो है वो खिसकेगा नहीं। क्योंकि अक्सर ख़वातीन होती हैं जो कि शिफॉन दुपट्टे को इसलिए नहीं ख़रीदती क्योंकि वो बहुत ही उनके सर से बार बार ढलक रहा होता है, तो उस तरह का मसला इसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, और ना ही उनके दूसरे फॉस्टीना कलेक्शन के साथ होने वाला है, क्योंकि वो दुपट्टा जो है वो सुपर कम्फर्टेबल हैं सेम दीस। तो बताती चलूँ, इसके साथ है प्लेन शलवार, साथ में है एक पैच जो कि आप अपने ट्राउज़र पे लगा सकते हो, साथ है शर्ट, फुल एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट है इसकी, जैसे कि फॉस्टीना कलेक्शन में था। और जो इसका मटेरियल है वो प्योर लॉन मटेरियल है, यस प्योर लॉन मटेरियल है इसका। तो आप इसे जो है ना अपने घर में भी पहन सकते हो, आप किसी दावत पे जा रहे हो तो भी पहन सकते हो, लाइक बहुत ही प्यारे ड्रेसेस हैं। अच्छा जो, तो ये वाला ड्रेस जो है ना, ये वाला मेरा मोस्ट 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 फेवरेट ड्रेस है इन दोनों में से। इसको मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। सेम वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मटेरियल और सब वैसा ही है, बट डिज़ाइन जो है वो डिफरेंट है। हर एक डिज़ाइन में आपको डिफरेंट कलर्स भी मिलेंगे। तो सेम उसके साथ प्लेन, सेम इसके साथ भी प्लेन शलवार है, और साथ में पैच जो कि आप नीचे ट्राउज़र के लगा सकते हो। अगर आप शलवार बना रहे हो तो भी उसके साइड्स पे, लाइक पांचों के साइड्स पे आप इसे बना सकते हो। और आज मेरा फेस जो है वो बिल्कुल मैट दिख रहा है, और ना ही मुझे पसीना आ रहा है, तो मैं एक बहुत अच्छी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अभी और इसी वक्त। तो शर्ट जो है, शर्ट कुछ दिखती इस तरह से है, डिजिटल प्रिंटिंग हुई हुई है, और उसके ऊपर जो है वो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, एंड मैंने उल्टा पकड़ा हुआ है। तो बहुत ही प्यारा सोबर कलर है, और आई लव इट। तो मैं इनसे बात करूँगी, अगर इन्होंने मुझे डिस्काउंट कोड दिया आप लोगों के लिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मेंशन कर दूंगी। और साथ ही साथ मैं बताती चलूँ कि सेलेटेक्स का वाइट सूट जो मैंने गिव अवे में देना था, वो आप लोग बहुत गिला कर रहे थे कि उसकी अनाउंसमेंट मैंने नहीं की, बट मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन अब आप देख सकते हो वो विनर जो है मैंने अनाउंस किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप सीधा जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को क्लिक करो, और नीचे जो है वो विनर मैंने अनाउंस किया है, लिखा हुआ है, जाके देख लो, हो सकता है वो लकी विनर आप ही हो। और पैकिंग तो भाई कमाल पैकिंग में आते हैं ये, और इसका दुपट्टा जो है वो भी सेम वैसा ही है, लाइक प्रिंकल शिफॉन सा दुपट्टा है इसका। तो ये आते हैं कुछ इस तरह की पैकिंग में, और आपको मिलेगा इसके अंदर थ्री पीस सूट, लाइक दुपट्टा कमीज शलवार। आप ट्राउज़र भी बना सकते हो उससे, दुपट्टा भी बना सकते हो फुल। उसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है वो इतनी नफासत से और इतनी सफाई से हुई होती है कि डर नहीं लगता कि अगर कुछ अड़ गया तो वो सारी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि एक बार जब चीज़ अड़ जाती है तो वो खुलता रहता है, तो वैसा बिल्कुल इसके साथ नहीं होता। तो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है एक पीआर पैकेज जो कि मुझे इंस्टाग्राम पेज से रिसीव हुआ था, और ये स्टेशनरी प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ओ माय गॉड, हल्ले मच रहे हैं। तो आप देख सकते हो बहुत ही क्यूट स्टेशनरी प्रोडक्ट्स, मुझे स्टेशनरी प्रोडक्ट्स स्टेशनरी आइटम्स उन्होंने मुझे सेंड किए हैं, एंड अदन लव दीज। हिबा को भी एक दो चीज़ें पसंद आई हैं। आप ये देख सकते हो कि ये जो बैजेस हैं ये मैंने हिबा के लिए संभाल के रखे हुए हैं,
और उन्होंने मुझे सेंड किए हैं कुछ पेन और पेंसिल्स। तो पेंसिल डेफिनेटली अदन यूज़ करेगा और पेन जो है वो मेरे पास रहेगा, क्योंकि जब मैं अपने नोट्स बना रही होती हूँ, नोट्स मतलब अपना वीकेंड प्लान कर रही होती हूँ, तो मैं मुझे ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ स्लाइम भेजी है उन्होंने मुझे, और ये रहा वो क्यूट बैच, और ये हार्ट जो है ये है स्टिकी नोट्स। देन उन्होंने मुझे एक क्यूट सा पैड भेजा है, नोट पैड, एंड एक पाउच और एक स्माइली स्टिकर्स साथ में चोकर। तो चोकर जो है वो मैं भी पहन लेती हूँ, लुक्स गुड। तो थैंक यू सो मच डॉट स्टेशनर्स ये चीज़ें भेजने के लिए। मैं इनकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, अगर आपको चाहिए इतनी क्यूट क्यूट चीज़ें अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, देन यू कैन चेक देम आउट। नेक्स्ट चीज़ जो है वो मैंने खुद अपने लिए परचेज की है, और वो है वूवू की फेस क्रीम। यू गाइज नो कि पिछली वीडियो में मैंने यूज़ किया था वूवू का टोनर और आई क्रीम। तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि बोथ प्रोडक्ट्स आर आउटस्टैंडिंग। तो आई एम यूजिंग इनकी ये वाली आई क्रीम, जो कि डार्क सर्कल्स के लिए, रिंकल्स के लिए और पफी आईज के लिए बेस्ट है। देन मैं इनका यूज़ कर रही हूँ टोनर। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टोनर। क्यों? क्योंकि अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पोर्स, लाइक लार्ज पोर्स हैं, तो उसके लिए टोनर बहुत अच्छा है। टोनर जो है अपनी स्किन केयर रूटीन में मस्ट ऐड करें। तो ये दोनों चीज़ें इतनी अच्छी थी, तो मैंने इनका फेस क्रीम भी मंगवा लिया, और ये है इनका माइराथोमस फेस क्रीम। तो इसमें आपको मिलेगा इस तरह का फेस क्रीम, पैकेजिंग इज़ गुड। और ये रही इनकी फेस क्रीम, तो इसको खोलते ही आपको मिलेगा साथ में एक स्पैचुला, और अंदर मिलेगी आपको 50 ml क्रीम। स्मेल्स गुड, और कंसिस्टेंसी जो है इसकी काफ़ी थिक है, मॉइस्चराइजिंग है। आप इसे रात में यूज़ कर सकते हो, सुबह में आपने इसे यूज़ करना है तो आप बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में इसे यूज़ करोगे, एंड दैट्स इट। प्राइजेस जो है सबकी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी, अगर मैंशन नहीं की तो मैं इनकी लिंक मैंशन कर दूँगी, आप काइंडली वहाँ जाके इनसे प्राइजेज जो है वो कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं भुलक्कड़ हर वक्त भूल जाती हूँ प्राइजेस के बारे में। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, और एक दूसरा पीआर पैकेज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिसकी लड़कियाँ मुझसे बहुत सारी रिक्वेस्ट कर रही हैं कि मैं हमारे साथ इसका रिव्यू शेयर करें। तो इसका रिव्यू जो है मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दीज आर कॉल्ड ग्लैम गर्ल के प्रोडक्ट्स, लाइक प्रोडक्ट्स ऑल सारे के सारे फुल फेस प्रोडक्ट्स। तो ये है इनका लूज सेटिंग पाउडर, और ये है इनकी स्टूडियो फिनिश फाउंडेशन, लुक्स लाइक दिस। अच्छा, इसको मैं दो बार यूज़ की है, तीन चार बार, एक दो तीन बार और यूज़ कर लूँ मैं तो फिर मैं आप लोग को बताऊँगी, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक है, मेरे फेस पे बहुत ही केकी लग रही थी। बट इनके साथ, इसके साथ जो है ना एक ऑयल आता है, वो मैंने मंगवाया है, दिस इज़ कॉल्ड क्वेलेन ऑयल। तो इसके साथ मैंने इसे यूज़ किया तो तब ये बिल्कुल ठीक था, ठीक है, परफॉर्मेंस इसकी ठीक थी जब मैंने इसे ऑयल के साथ यूज़ किया। तो ज़रूरी नहीं है आप यही वाला ऑयल यूज़ करो, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास ब्यूटीफाई बाय आमला का फेस ऑयल है, उसके साथ भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, नो वरीज एट ऑल। लेकिन मैं इसे एक दो बार और यूज़ करना चाहती हूँ, देन मैं आपके साथ अपना रिव्यू बहुत जल्द शेयर करूँगी। सो देन इसके हैं ग्लैम गर्ल के लॉक इट ऑल डे सेटिंग स्प्रे एंड लॉक इट ऑल डे सेटिंग स्प्रे, यानी स्टेप वन और स्टेप टू, रिफ्रेशिंग प्राइमर मिस्ट एंड फाइनल फिक्स। ये दोनों भी पीआर पैकेज में मुझे रिसीव हुए हैं। अच्छा, तो भाई इनके सारे प्रोडक्ट मेरे पास हैं, लाइक प्राइमर, सेटिंग स्प्रे, प्राइमर मिस्ट, सब कुछ। तो फाउंडेशन में मेरे पास दो शेड्स हैं, एक है 102 आइवरी, तो जो दूसरा शेड है वो कॉल्ड 106 नेचुरल आइवरी। दोनों को मिक्स करके मैं अप्लाई करती हूँ, देन उसके बाद लूज़ पाउडर, लूज़ शिमर, और ये है उनकी मैजिक मेकअप स्किन परफेक्टिंग फाउंडेशन इन शेड कैरेमल। इसका शेड बहुत डार्क है, तो इसे मैं कंटोरिंग के लिए यूज़ करके आप लोगों को दिखाऊंगी, बहुत जल्द आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स।
तो इनकी जो एक्सपायरी डेट है वो 2021 है। और अगर आपको पता नहीं है ग्लैम गर्ल प्रोडक्ट के बारे में, तो अगर आप मेरे इंडियन सब्सक्राइबर हो तो आई एम फीलिंग प्राउड, इट इज़ अ पाकिस्तानी ब्रांड जो कि आपके साथ मैं बहुत जल्द शेयर करूँगी इसका रिव्यू। ओके, सो नेक्स्ट थिंग वी हैव हेयर, एक कंपनी ने मुझे सेंड किए हैं फेशियल किट, दैट इज़ कॉल्ड डेनबाइज, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, ओशन प्लस हीलिंग फुट केयर क्रीम, हैंड एंड फुट केयर क्रीम। इसको एक बार मैंने यूज़ किया है और ये बहुत अच्छी होगी सर्दियों के लिए, क्योंकि गर्मियों में तो बहुत ही मेरे हाथ पैर गर्म हो गए और पसीने पसीने हो गए थे इसको यूज़ करने के बाद। तो इसमें है फुल फेशियल किट, जिसमें है यहाँ पे क्लिंजर, ठीक है, देन स्किन पॉलिश, देन अगेन वी हैव वाइटनिंग क्लिंजर, देन वी हैव वाइटनिंग स्क्रब, नेक्स्ट है मसाज क्रीम, वो भी वाइटनिंग मसाज क्रीम, और साथ में है वाइटनिंग फेशियल टोनर, और इन्होंने मुझे भेजा है मल्टीविटामिन डेली फेस वॉश, लाइटन एंड क्लींजेस फॉर अ रेडियंट फेयर कम्प्लेक्शन। तो ये मैं बहुत जल्द यूज़ करूँगी और इसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर ये मेरे काम करता है कि नहीं। मास्क जो है इनका विटामिन सी मास्क मैंने पहले यूज़ किया, वो बाथरूम में पड़ा था तो वो मैंने आपको दिखाया नहीं, बट मास्क भी अवेलेबल है इस किट में। अच्छा, तो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी APK के कुछ प्रोडक्ट, लाइक APK का लूज पाउडर जो है वो मैं परफेक्टिंग लूज पाउडर, ये मेरे पास पहले था इन शेड 02, वो था थोड़ा सा डार्क मेरी स्किन टोन से, तो अगेन मैंने इसका शेड मंगवाया। आप देख सकते हो तो बहुत ही प्यारा मिरर है इसके ऊपर, लाइक आप देख के अपना पूरा मेकअप कर सकते हो, और पैकेजिंग जो है, तो इसको मैं बहुत जल्दी एक वीडियो में यूज़ करके आपको दिखाऊंगी कि ये कितना अच्छा है, इसकी क्या खूबियाँ हैं एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। साथ साथ मैं इनके न्यूली लॉन्च मूज लिप ग्लॉसेस के बारे में बात करना चाहती हूँ। इनकी कंसिस्टेंसी वैसी है जैसे कि जे डॉट मैट मूज लिपस्टिक्स की है, मैट मूज फाउंडेशन मैट मूज लिपस्टिक्स की है, सेम बिल्कुल वैसी ही कंसिस्टेंसी है इसकी, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि सुपर अफोर्डेबल है। तो शेड्स मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है शेड, ये है शेड 09 स्पाइसी मिक्स, और ये है शेड 02 चेरिश रेड, चेरीज रेड, एंड स्मेल्स लाइक समथिंग, बट मुझे नहीं पता, बुरी स्मेल नहीं है, स्मेल फ्रेग्रेंस सेंट वट एवर। अच्छा, तो मैं APK का जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो है 12 आवर मैट मूज फाउंडेशन, इवन फिनिश इनविजिबल पोर्स एंड फाइन लाइन्स, ठीक है। तो इसमें है शेड 03, इसका रिव्यू मैं बहुत जल्द आपसे शेयर करूँगी। मैंने अपनी कज़न के लिए मंगवाया है, वो थोड़ी सी इसका शेड बहुत डार्क है और मेरी स्किन ऑयली नहीं है, ये मैं अपनी स्किन पे लगा नहीं सकती क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है, और ये मैट मूज फाउंडेशन जो है वो ऑयली स्किन के लिए बेस्ट 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 फाउंडेशन होती है, क्योंकि ये बिल्कुल मैट हो जाती है आपके फेस पे और आपके फेस से पसीना जो है वो निकलता नहीं है, आपका फेस जो है फ्रेश रहता है थ्रू आउट द डे। एंड थैंक यू सो मच कुकड़ी। तो ये है इसका शेड, और ये है शेड नंबर 3, मेरी शेड से ये थोड़ा सा डार्क है, थोड़ा सा। सो नेक्स्ट PR पैकेज जिसके लिए मैं सुपर 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 एक्साइटेड हूँ वो है सेफ्रॉन की तरफ से, और सेफ्रॉन ने न्यूली लॉन्च किया है आपका पर्ल क्रश एलिक्सर, जिसकी पैकेजिंग मैं अभी आपको दिखाती हूँ। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द पैकेजिंग, लाइक जस्ट लुक एट द पैकेजिंग, माइंड ब्लोइंग। तो ये खुलता है कुछ इस तरह से, नीचे की तरफ से खुलता है, एंड इसको यूज़ करने से पहले यू हैव टू शेक इट रियली रियली वेल, ठीक है। तो पैकेजिंग को खोलेंगे इस तरह से, मैं आपको दिखा देती हूँ, इसको अप्लाई करके थोड़ा सा इधर, इसका फुल रिव्यू जो है बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करूँगी, थोड़ा सा मैं इसे यूज़ कर लूँ ना, फिर मैं बहुत जल्द इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी, स्मेल्स सो गुड। तो इसको अप्लाई करने के बाद स्किन लुक्स लाइक दिस, बहुत ही ग्लोई और रेडियंट हो जाती है स्किन, स्मेल सो गुड।
तो इसका रिव्यू इज कमिंग रियली रियली सून। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं वो मैं आपको पढ़ के ज़रा सुना देती हूँ कि ये बहुत अच्छा है। अच्छा भाई, तो ये क्रश्ड सी पर्ल्स ब्लेंड फॉर विजिबली ल्यूमिनस एंड इवन स्किन टोन। लाइक आपके अगर अनइवन स्किन टोन है, लाइक वाइट, थोड़ी सी डार्क, अजीब सी, तो दिस विल हेल्प, ये आपकी स्किन को इवन आउट करेगा। अच्छा, तो नेक्स्ट जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, लाइक वीडियो हो, ऑयल्स के बारे में हम बात करें और ब्यूटीफाई बाय आमना को हम पीछे छोड़ दें, कैसे हो सकता है? तो गेट रेडी फॉर द वेडिंग सीजन। तो इनकी ऑफर चल रही है वेडिंग सीजन के लिए। लाइक अगेन, हर एक डील के साथ यू विल गेट फ्री गुडीज। फ्री गुडीज़ में इस बार आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट टू ब्यूटी ब्लेंडर्स, एक फुल साइज प्राइमर, लाइक एक फुल साइज प्राइमर, परफेक्ट प्राइमर, एक कबूकी ब्रश, 3D कबूकी ब्रश। तो डील में क्या है? डील, फर्स्ट डील जो है वो है सीरम और फुल साइज प्राइमर। ये डील खरीदने पर यू विल गेट फ्री गुडीज जो कि अभी मैंने आपको बताए, वर्थ 6,000 रुपीज। डील टू में जो है वो है ब्रशेज। अगर आप ब्रशेज खरीदते हो, यू विल ऑल्सो गेट फ्री गुडीज। और इसके लिए आपने करना क्या है? यूज़ करना है मेरा कोड विच इज़ NA76 ब्यूटीफाई बाय आमना की वेबसाइट पे, जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। लेकिन अगर आपको वेबसाइट से बाय करना नहीं आता तो आप इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर भी ऑर्डर कर सकते हो। जाके उनको इनबॉक्स करना है, ऑर्डर लिखाना है और मेरा कोड बताना है, एंड दैट्स इट। और जहाँ तक सीरम की बात है, दैट इज़ वन ऑफ माई बेस्ट 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 एंड दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट 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 सीरम। मैं आपको दिखाती चलूँ यहाँ पे। तो ये रहे दो खाली बोतलें जो कि मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ ब्यूटीफाई बाय आमना के सीरम, और ये है अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ मेरी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में। तो डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी ये सीरम जो है परचेज करो, ट्राई करो, यूज़ करो एंड यू विल लव इट। तो डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी ये सीरम्स परचेज करो, ट्राई करो एंड यू विल लव इट एज मच एज आई डू। देन जो मुझे पीआर पैकेज रिसीव हुआ है वो है एक इंटरनेशनल पीआर पैकेज, और वो कहलाते हैं डी लेंसी। तो उन्होंने मुझे 3 आई शेडो पैलेट भेजे हैं, और अभी मैं दिखाऊं आप लोगों को और यूज़ करके मैं किसी और वीडियो में आपको दिखाऊंगी। जो मेरा फेवरेट पैलेट है वो है फ्लेम बॉयन से। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि लुक्स लाइक द पैकेजिंग इज लश पश, सो लुक्स लाइक दिस। और जो पिगमेंटेशन है इज लाइक सिर्फ मैं यूं, दैट्स इट, यूं, दैट्स इट, ठीक है। बहुत जल्द मैं एक वीडियो में इसे यूज़ करके आपको दिखाऊंगी। तीनों के तीनों पैलेट इज़ अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। बहुत जल्द मैं यूज़ करके आपको किसी वीडियो में दिखाऊंगी और आप देख के जो है वो बहुत ही अचंभित हो जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है एक ज्वेलरी आइटम, लुक्स लाइक दिस। तो ये बहुत ही प्यारे और क्यूट बैंगल्स हैं जो कि मुझे एक इंस्टाग्राम पेज ने भेजे हैं, एंड कॉल अनीसा अनस। तो इनका इंस्टाग्राम पेज भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। उन्होंने मुझे एक बैंगल भेजा था जो इसकी प्राइस है 1500 रुपीज़, और दूसरा जो है फिर मैंने खुद ऑर्डर किया था क्योंकि मुझे यूं दो बैंगल्स चाहिए थे, एंड आई लव दीज। और क्यों मुझे ये पसंद है? बिकॉज दे आर गोल्ड प्लेटेड, और गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी जो है उससे मुझे एलर्जी नहीं होती, वरना आर्टिफिशियल ज्वेलरी से मुझे बहुत एलर्जी होती है, मुझे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। सर्दियों में मेरे साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन गर्मियों में मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जो नेक्स्ट पीआर पैकेज मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ वो ब्रांड कॉल्ड रिस्प्लेंडेसेंट, यस रिस्प्लेंडेसेंट। और इन्होंने मुझे भेजा है सनकिस 24K गोल्ड सीरम, और उनका हेयर ऑयल, ऑर्गेनिक हेयर ऑयल। और मेरे बच्चों ने हले बचाए हुए हैं, सॉरी फॉर दैट, एंड दे सेंड मी देयर आईब्रो और आईलैश सीरम। साथ ही साथ उन्होंने मुझे दो मिस्ट भेजी हैं, दिस वन इज़ देयर कूल मिस्ट, एंड साथ ही साथ है सैफ्रॉन एंड टी ट्री मिस्ट जो है वो इज़ गुड फॉर ऑयली एंड एक्नी प्रोन स्किन।
बहुत ही अच्छी है उनके लिए. एंड आई लव कूलिंग मिस्ट, यानी मैं यूज़ कर चुकी हूँ. यू कैन सी यहाँ यहाँ तक आपके फेस पे बहुत ही कूलिंग सेंसेशन होती है, लाइक बहुत ही ठंडा फील होता है इसको अप्लाई करते हुए. लाइक अगर आप इसको बाहर कहीं अपने साथ लेके जाते हो और आपको बहुत गर्मी फील हो रही है, इसे आप यूज़ करते हो, यू विल फील फ्रेश. लाइक आई टोटली रिकमेंड दिस. बाकी जो चीज़ें हैं वो मैंने यूज़ नहीं की इनकी, ना ही इनका 24K गोल्ड सीरम, ना ही लैश सीरम. तो आई रियली डोंट नो अबाउट दोज कि वो किस तरह से हैं, बट पैकेजिंग इज़ गुड. अगेन पैकेजिंग इज़ गुड. तो ये है इनका 24K गोल्ड सीरम. लेट्स सी हाउ इट इज़. मैंने अभी तक ये ओपन भी नहीं किया कि ये दिखते किस तरह से हैं. सो यू कैन सी अच्छे खासे गोल्ड पार्टिकल्स हैं इसमें. स्मेल स्वीट, आई डोंट नो वाई, बट दिस इट ये सीरम जो है इसकी स्मेल बहुत ही स्वीट है. एंड द पैकेजिंग इज सो क्यूट. तो ये है इनका लैश एंड आईब्रो सीरम. तो इसे आप यूज़ किस तरह से करोगे, लाइक एक स्पूली पे, आईब्रो स्पूली पे आप इसे एक ड्रॉप डालोगे. अब मैं कहाँ से स्पूली उठाऊँगा, ये रही स्पूली. इस पे आप एक ड्रॉप सीरम डालोगे और अपनी आईब्रो को इस तरह से ब्रश करोगे, या अपनी आई लैशेज पे इस तरह से ब्रश करोगे, ठीक है. क्योंकि ये भी ड्रॉपर फॉर्म में है, ड्रॉपर फॉर्म इज़ बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन आप उसे इस तरह से यूज़ कर सकते हो. देन मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी एक परफ्यूम जो कि मैंने लोकल स्टोर से ख़रीदी है. और मैंने क्यों ख़रीदी है, बिकॉज ऑफ पैकेजिंग, बट मुझे पता नहीं था कि इसकी फ्रेगरेंस जो है वो भी इतनी अच्छी होगी. सो दिस कॉल्ड अरमाफ स्टूडियो परफ्यूम, ठीक है. तो ये जो है फ्लेवर, ये है फ्यूशिया, यस. और इसमें एक और भी था, ऑरेंज फ्लेवर था कुछ, आई डोंट नो उसका नाम, बट तो ये रही पैकेजिंग इसकी. द पैकेजिंग लुक्स लाइक अ लिपस्टिक, दैट्स वाई मैंने ये ख़रीदी. और इसकी प्राइस थी 1500 रुपीज़. एंड स्मेल्स डिवाइन, डिवाइन स्मेल्स सो गुड. ओके, सो नेक्स्ट जो मैंने परचेज किया है वो है टू फेस्ड का पीचेस एंड क्रीम कम्प्लेक्शन प्रोडक्ट्स. यानी इसमें आपको मिलेगा क्या, फुल साइज़ उनका मस्कारा, नेम आप खुद पढ़ लें. अच्छा, तो इसमें मिलेगा क्या आपको, फुल साइज़ मस्कारा, उनका लूज पाउडर, और साथ में साथ प्राइमर, उनका डिलक्स साइज़ का सेटिंग स्प्रे. तो मेरा फेस क्यों है आज मैट, मेरी मूछों के ऊपर पसीना क्यों नहीं आ रहा, इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सेटिंग स्प्रे. तो ये कहलाता है मैटिफाइंग सेटिंग स्प्रे टू फेस्ड का पीच मिस्ट, एंड स्मेल सो गुड लाइक पीचेस. तो इससे मेरा फेस बिल्कुल मैट हो गया है. और लाइक काफ़ी टाइम हो गया मैं वीडियो बना रही हूँ, बहुत सख्त गर्मी है, बट मेरी मूछों पे बहुत सख्त पसीना आता है. और थ्रू आउट दिस वीडियो अभी तक मेरी मूछों पे पसीना नहीं आता. मैं कॉन्टिन्यूसली अपना हाथ मार रही हूँ, फेर रही हूँ, बट नो पसीना. तो सेकंड प्रोडक्ट जो है वो है इनका टू फेस्ड बेटर देन मस्कारा, नाम आप खुद पढ़ लो. तो ये उनका बेस्ट सेलिंग मस्कारा है. एंड आई वॉज रियली एक्साइटेड अबाउट दिस प्राइमर. आई विल बी गेटिंग इन फुल साइज, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है. यूज इट वंस. और ये कहलाता है प्राइम्ड एंड पीची कूलिंग मैट स्किन परफेक्टिंग प्राइमर इन्फ्यूज विद पीच एंड स्वीट फिक क्रीम. ये टू फेस्ड का प्राइमर है और इसमें आता है एक क्यूट सा पम्प. और इसको मैंने यूज़ किया, लाइक मेरे पोर जो है वो मिनिमाइज हो गए, लाइक फिल हो गए, मेरा फेस जो है स्मूद आउट हो गया. बहुत ही मॉइस्चराइजिंग था, लाइक बहुत ही मैट नहीं था मेरे फेस के लिए, बट फिर भी लाइक इसका कॉम्बिनेशन मेरी फाउंडेशन के साथ वो सो गुड. माँ फाउंडेशन जो मैंने यूज़ की है, यहाँ पे तो नहीं है, बट मैंने यूज़ किया है मेबेलिन की 24 आवर्स स्टे फाउंडेशन. इसका रिव्यू भी बहुत जल्द आप लोग से शेयर करूँगी. देन मेरे पास है यहाँ पे इनका पीच एंड पीच परफेक्ट लूज पाउडर. तो इसकी पैकेजिंग जो है लुक्स लाइक दिस. लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो है ये इसका लिड. लाइक अगर आप प्रोडक्ट यूज़ करोगे और उसके बाद इस लिड को आप बंद कर दोगे, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो ज़ाया नहीं होगा. गुड आइडिया, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये. तो स्मेल जो है, यानी फ्रेगरेंस जो है इन सारे प्रोडक्ट्स की, एक्सेप्ट मस्कारा, मस्कारा की तो कोई फ्रेगरेंस नहीं होती, बहुत मज़े की फ्रेगरेंस है. लाइक खा जाने को दिल करता है,
बट खा नहीं सकते। यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट, एक तो नहीं मतलब स्किन केयर प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करूँ जो कि ऑयली स्किन गर्ल्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाले हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों ने ख़रीदनी है। एक तो आपने ख़रीदना है आयोनिक का टी ट्री रिलीफ टोनर, जो कि ऑयली स्किन गर्ल्स और एक्नी प्रोन स्किन गर्ल्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि इसमें टी ट्री है, एक्सट्रैक्ट्स हैं, तो भाई आपकी एक्नी तो बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाली है। देन उसके बाद है टी ट्री रिलीफ सीरम, ये है वाइटनिंग एंड रिंकल केयर, नेचुरल मॉइस्चराइजिंग और सबसे ज़रूरी बात कि आपकी एक्नी को दूर करता है। तो ये मैं तभी यूज़ करती हूँ जब मेरे फेस पे थोड़ी बहुत एक्नी निकल आती है, बट उसके अलावा मैं इसे यूज़ नहीं करती। और ये ऑल स्किन टाइप के लिए, ज़रूरी नहीं कि ऑयली स्किन टाइप के लिए, ड्राई ऑयली एक्नी प्रोन स्किन इन सब गर्ल्स के लिए ये अच्छा है। और इसकी जो लिंक है वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। हाईली 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 रिकमेंड दिस, क्योंकि बहुत लड़कियां मुझसे पूछती हैं कि हमें ऐसी चीज़ बताएं जिससे हमारी एक्नी रिमूव हो जाए, तो गर्ल्स ये वाले प्रोडक्ट यूज़ करो तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। देन है आयोनिक का सेंटेला कामिंग जेल क्रीम, इसमें भी है टी ट्री ऑयल एक्सट्रैक्ट, कितने परसेंट इसमें है टी ट्री लीफ वाटर 10% और सेंटेला लीफ वाटर 70%, यानी ब्लेमिशेस को रिमूव करता है, एक्नी स्कारिंग को रिमूव करता है। अगर आपके एक्नी स्कार्स रिमूव नहीं हो रहे देन यूज़ दिस प्रोडक्ट, ये आपके एक्नी स्कार्स को रिमूव करेगा। अगर आपके डॉट्स वगैरह हैं उसको भी रिमूव करेगा, ठीक है। और दिस वन इज़ माई फेवरेट, ये है आयोनिक का लाइम मॉइस्चर माइल्ड पीलिंग जेल, और ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये आपकी डेड स्किन को रिमूव कर देता है। बहुत ज़्यादा लाइट हो गई है, आई डोंट नो व्हाई, बहुत। तो ये मतलब पीलिंग जेल है, वाटर फॉर्म में होता है, जेल फॉर्म में आप इसे अप्लाई करते हो अपने फेस पे और इसे मसाज करते हो, आपकी जो डेड स्किन है वो रिमूव हो जाती है आपके स्किन पर से। और बहुत अंधेरा हो रहा है। अच्छा भाई, तो अभी मैंने रिंग लाइट लगा ली है क्योंकि अंधेरा हो गया है और मेरे चश्मों में जो है ना वो गोल गोल दायरे नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने ऊपर कर दिए हैं। तो जो दो प्रोडक्ट जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैंने ख़रीदे बट अभी मैंने यूज़ नहीं किया, मैं बहुत जल्द अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तो यह है रिवाजियों के हैंड मास्क एंड फुट मास्क, लाइक आप देख सकते हो। तो ये बेसिकली इस तरह के मास्क हैं जैसे शीट मास्क होते हैं फेस के लिए, उसी तरह के हाथ के और पैरों के लिए हैं। तो अगर इन्होंने काम किया तो मैं डेफ़िनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अगर काम नहीं किया तो भाई बताने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो इसमें कुछ इस तरह के अंदर आते हैं और ये इसमें हैंड मास्क होता है, जिस तरह दस्ताने की तरह आप इसे पहन के बैठेंगे कुछ मिनटों के लिए और फिर जो है आपके हाथ नरम मुलायम खूबसूरत हो जाएंगे। तो हम देखेंगे कि होते हैं कि नहीं होते। तो ये दो चीज़ें जो हैं ये हैं रिवाज यूके की, और ये मुझे अब याद नहीं है कि ये मैंने कितने कितने की ख़रीदी थी। मिनीसो में भी सेम ऐसे ही शीट मास्क हैं, तो वो भी मैं कभी ट्राई करके आप लोगों को दिखाऊंगी, देखेंगे कि ये अच्छी हैं कि वो अच्छी हैं, कंपैरिजन करेंगे। देन काफ़ी सारी लड़कियां मुझसे ये भी रिक्वेस्ट कर रही थी आप ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट यूज़ करें। तो भाई एक ओरिफ्लेम कंसल्टेंट होंगी या कोई, अब मुझे बिल्कुल उनका नाम नहीं याद और ना ही उनका फेसबुक पेज याद है, मोमोज कॉस्मेटिक्स मेरे ख्याल से उनके फेसबुक पेज का नाम है। मैं फिर भी ढूंढ ढांड के ले आऊँगी, उन्हें निकाल बाहर करूँगी बाहर और आप लोग से शेयर करूँगी। तो उन्होंने मुझे सेंड किया है ये ओरिफ्लेम का लव नेचर फेशियल किट ट्रॉपिकल फ्रूट, जो कि है ड्राई स्किन के लिए और सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा। देन इनके टी ट्री फेशियल किट भी है जो कि ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं बहुत जल्द आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ओरिफ्लेम की तरफ से और वो कहते हैं कि हम आपको प्रोडक्ट सेंड करते हैं, आप रिव्यू करो। तो वो जब मैं यूज़ करूँगी तब मैं आपके साथ उसका रिव्यू शेयर करूँगी। देन मुझे उन्होंने सेंड किया है ओरिफ्लेम का लॉन्ग वेयर मिनरल फाउंडेशन, और ये शेड है लाइट आइवरी। इसे मैंने सिर्फ एक बार यूज़ किया है बट ये मेरे फेस पे बहुत ही ज़्यादा किकी था उस टाइम, आई डोंट नो व्हाई, मे बी शायद मैंने स्किन को एक्सफोलिएट नहीं किया था या स्क्रबिंग नहीं की थी, मे बी शायद इसलिए, बट फिर भी मैं इसे दोबारा एक दो बार यूज़ करूँगी। एंड फुल फेस ऑफ यूजिंग ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट इज़ कमिंग रियली 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 सून। बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं, इंटरेस्टिंग आउटस्टैंडिंग वीडियोज़ आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए।
देन उनकी मूज लिक्विड लिपस्टिक, यप लिप सेंसेशन मैट मूज लिपस्टिक, और ये शेड जो है इज सॉफ्ट मलबरी। बहुत जल्दी मैं शेड को यूज़ करूँगी किसी वीडियो में। तो उन्होंने मुझे सेंड किए हैं दो लिपस्टिक, और ये है कलर अनलिमिटेड लिपस्टिक सुपर मैट, और शेड है नॉन स्टॉप, और दूसरा जो शेड है वो है, दूसरा शेड है एंडलेस। एंडलेस जो है वो ब्राइट रेड कलर है, और नॉन स्टॉप जो है वो बहुत ही प्यारा न्यूड शेड है, लाइक एवरीडे यूज़ के लिए अ परफेक्ट 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 मैट शेड फॉर योर लिप्स एंड स्मेल्स सो गुड। अच्छा भाई, तो ये हो गए ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स। देन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ एक इंस्टाग्राम पेज कॉल्ड कॉस्मेटिक क्लोजेट, जिन्होंने मुझे पीआर पैकेज सेंड किया और कुछ गुडीज भेजी हैं, और उनमें मतलब गुड़ीज भेजी हैं बट मैंने साथ साथ शॉपिंग भी की थी उनसे। तो ये है मारियो बिटिस्को का, उनका फेशियल स्प्रे विद एलो क्यूकम्बर एंड ग्रीन टी। आप इसे इस तरह रोज़ वाटर की तरह भी यूज़ कर सकते हो, और इसे आप इसे एज अ सेटिंग स्प्रे भी यूज़ कर सकते हो, आप इसे प्राइमर स्प्रे भी यूज़ कर सकते हो, बट आई लव इट। और ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, टोटली रिकमेंडेड। तो ये है बहुत ही प्यारा मिलानी का मेकअप बैग जिसमें हैं गुडीज। तो उन्होंने मुझे क्या सेंड किया है, उन्होंने सेंड किया है पिंक नाउ एंड जेन फेस मास्क, नमस्ते कूल एंड काम विद एलोवेरा शीट मास्क। यू गाइज नो हाउ मच आई लव शीट मास्क। शीट मास्क जो है हफ्ते में एक बार ज़रूर यूज़ करना चाहिए, लाइक आपकी स्किन को हाइड्रेशन चाहिए, आपकी स्किन को टाइट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो एक शीट मास्क ही प्रोवाइड कर सकता है। क्ले मास्क बहुत अच्छे होते हैं डेड स्किन रिमूव करने के लिए, आपके पोर्स को क्लियर आउट करने के लिए। लाइक मुझे पहले क्ले मास्क बिल्कुल पसंद नहीं थे, बट आजकल मुझे क्ले मास्क बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। शीट मास्क क्ले मास्क बेस्ट कॉम्बिनेशन, स्किन केयर रूटीन आपको बेस्ट 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 रखनी चाहिए फॉर योर स्किन। देन उन्होंने मुझे सेंड किया था एसेंस लाइट अप योर फेस हाइलाइटिंग पैलेट, लुक्स लाइक दिस, और एसेंस वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल इज कमिंग सून, क्योंकि बस एक दो चीज़ें ही हैं जो मैंने लेनी है, और ये हाइलाइटर पैलेट भी मेरे पास नहीं था, बट के लिक्विड हाइलाइटर मेरे पास था, बट अब मैं ये भी यूज़ करूँगी और आप लोग को दिखाऊँगी इफ इट वर्क्स और नॉट। देन उन्होंने मुझे सेंड किया है स्टिला का मस्कारा, और ये कहलाता है स्टिला ह्यूज एक्सट्रीम लैश मस्कारा, एंड आई लव दिस मस्कारा। वी कैन से के टू फेस्ड का बेटर देन मस्कारा जो है वो इस वो और ये बिल्कुल सेम सेम है, लाइक ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है, एंड आई लव द पाउच। तो ये है वो पेज जिन्होंने मुझे सेंड किए हैं ये गुडीज़। आप इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोट डाउन कर लो, अगर आपको कोई भी इंटरनेशनल मेकअप प्रोडक्ट्स चाहिए हों कॉन्टेक्ट देम। नेक्स्ट पीआर पैकेज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, इसको तो काफ़ी अर्सा हो गया है और मैंने इसे अभी तक यूज़ नहीं किए हैं। दीज आर फ्रॉम FW ऑर्गेनिक्स, इंस्टाग्राम पेज ने मुझे सेंड किए हैं, और ये है इनका विटामिन ई मास्क, बेस्ट फॉर ऑयली स्किन एंड एक्नी प्रॉन स्किन। तो मेरी ना स्किन ऑयली है और ना ही एक्नी प्रॉन स्किन है, तो मैं ये यूज़ नहीं कर सकती। हो सकता है ये स्किन को बहुत ही ड्राई आउट करे, और मेरी स्किन जो है पहले से ही बहुत ड्राई है, बट हो सकता है ऑयली स्किन और एक्नी प्रोन स्किन के लिए ये अच्छा हो। पाउडर फॉर्म में है, इसमें रोज़ वाटर ऐड कर सकते हो, आप इसमें दूध ऐड कर सकते हो, पेस्ट बना के आप इसे अपने फेस पे अप्लाई करोगे। अच्छा, तो फिर ये है FW का आई सूदिंग जेल, यस, यानी अंडर आइज़ के लिए आपको क्रीम मिलेगी जेल फॉर्म में। तो इसको मैंने दो बार यूज़ किया है, इरिटेटिंग नहीं है, स्मेल्स गुड, बट काम करता है कि नहीं ये मैं किसी कज़न पे ट्राई करूँगी, क्योंकि मेरे जो है ना अंडर आइज़ जो है बिल्कुल सेट हो गए हैं विद वोवो के आई क्रीम के साथ। आई लव इट, क्योंकि उसमें जो है ना कमाल का वाइब्रेटर लगा हुआ है। अगर आपके अंडर आइज़ जो है बहुत ही ज़्यादा पफ़ी हैं सुबह उठते ही, तो आप इस वाइब्रेटर को ऑन करोगे, अब इसकी आवाज़ आपको आने से रही, लाइक इट इज़ डूइंग, तो इसको इस तरह से आपने रखना है, अपने अंडर आइज़ को करना है मसाज, वन ऑफ द बेस्ट थिंग। देन उन्होंने मुझे सेंड किया है उनका ऑर्गेनिक फेस यूथ ऑयल, 100% प्योर स्किन प्रोडक्ट, एंड रिमूव ड्राइनेस डलनेस और अनइवन टोन, बैलेंस पीएच लेवल, टाइटन स्किन पोर्स। अच्छा जी, तो लुक्स लाइक दिस, इसे मैंने यूज़ नहीं किया, ठीक है, तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है इफ़ इट वर्क्स और नॉट, कुछ दिखता इस तरह से है।
देन उन्होंने मुझे एक सोप सेंड किया है. अच्छा तो इन्होंने मुझे सीरम सेंड किया है आईब्रो और लैशेस के लिए. मुझे लगता है इसमें कोकोनट ऐड है क्योंकि वो जगह जगह पे जम गया है. आई डोंट नो कि आप लोगों को नज़र आ रहा है यहाँ पे या नहीं, बट जगह जगह पे ये जमा हुआ है. तो इतने ज़्यादा सीरम हो गए हैं, इट विल टेक टाइम. वन बाय वन मैं यूज़ करूँगी. अगर ये अच्छा हुआ तो डेफिनेटली मैं इसको शेयर करूँगी आप लोगों के साथ. जो प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते मैं उसको आपके साथ कभी भी शेयर नहीं करूँगी, ना ही आपको कभी रिकमेंड करूँगी कि वो ख़रीदो. तो भाई जो नेक्स्ट प्रोडक्ट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, वो हैं फ्रॉम फोकालियोर. ठीक है, तो फोकालियोर का ये जो आई शेडो पैलेट है ये मैंने क्यों ख़रीदा, लंबी दास्तान. वो मैंने इसलिए ख़रीदा कि अभी आप खुद देख लोगे तो आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा. इसका नाम है वी केयर योर फेवर 18 शेड फुल फंक्शन पैलेट फोकालियोर. ओह तलमना, तो पावे इतना लंबा नाम, काम भी उतना अच्छा है या नहीं हम वो देखेंगे किसी और वीडियो में, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ दिखा दूँ. इसको एक बार मैं यूज़ कर चुकी हूँ, आप हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत नज़र आ रहा हो यहाँ से, क्योंकि मैं इसे यूज़ कर चुकी हूँ. ठीक है, वीडियो बनाने से पहले हर एक चीज़ मैं यूज़ करती हूँ, उसके बाद मैं वीडियो बनाती हूँ. तो ये किसकी तरह लग रहा है, डेफ़िनेटली ये हुदा ब्यूटी के रोज़ गोल्ड पैलेट की तरह लग रहा है. तो मैंने इसलिए परचेज़ किया कि आप लोग से शेयर करूँ अपना एक्सपीरियंस, इफ़ इट इज़ बिल्कुल ही वैसे का वैसा या नहीं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है. तो आई थॉट मेरे सब्सक्राइबर के पैसे बच जाएंगे ये चीज़ अगर मैं उनके साथ शेयर करूँगी. तो इसका रिव्यू मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी. देन फोकालियोर के हाइलाइटर्स, तो ये है फोकालियोर का बीम बेक्ड पाउडर हाइलाइटर अल्ट्रा ग्लो. तो ये कुछ दिखता है इस तरह से, और अभी मैं इसका स्वॉच आपको दिखा देती हूँ. इफ़ इट इज़ पिगमेंटेड, यस सुपर पिगमेंटेड. इसको भी मैं किसी वीडियो में आपको यूज़ करके दिखाऊंगी इफ़ इट इज़ गुड और नॉट. लुक्स गुड, लुक्स गुड, यस. अच्छा भाई, तो इसमें तीन शेड्स हैं, लाइक ये वाला जो है ये है 04 ब्लॉसम, और ये है डबल ग्लिम, यस 03. देन दिस वन इज़ कॉल्ड पिंक स्टीम अल्ट्रा ग्लो हाइलाइटर. अच्छा भाई, इसमें चार शेड्स हैं, दूसरा शेड जो है वो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये तीनों शेड है मेरे पास. मैं बहुत जल्द इसको किसी वीडियो में यूज़ करके आपको दिखाऊंगी, इफ़ दीज आर गुड और नॉट वो भी आपको बताऊंगी. अच्छा भाई, मज़े की बात, चीज़ मॉल के बैग्स का फीडबैक दिखते हुए लाइक बहुत ही बुरा फीडबैक था. सारी लड़कियां बोल रही थी कि हमारे बैग्स जो हैं बहुत ही बुरी क्वालिटी के आए हैं. तो आई वॉज थिंकिंग कि वाई नॉट मैं इनका मेकअप ज़रा ट्राई करके देख लूँ इफ़ इट वर्थ और नॉट. तो मैंने भाई खामोशी से चुप करके एक ही प्रोडक्ट मंगवाया जो कि है लिप कलर. तो ये जो है भाई चाइनीज़ में लिखा हुआ है, मुझे तो पावे कुछ भी नहीं पता कि क्या लिखा हुआ है. आई डोंट नो ये क्या लिखा हुआ है, बट पैकेजिंग लुक्स लाइक दिस. ठीक है, कोई ड्रैगन श्रैगन बने हुए. तो खुलता है कुछ इस तरह से और गिर गया. तो ये दिखता कुछ इस तरह से है, प्योर ब्लैक है, थोड़ी बहुत राइटिंग हुई हुई है. तो ये है शेड जो मैंने ऑर्डर किया. बाय द वे बहुत ही प्यारा ब्राइट रेड कलर है, अभी निकला है. ये कुछ इस तरह का ब्राइट रेड कलर है, और इसका टेक्सचर जो है वो बहुत ही मूजी फॉर्म में है, यानी मूज टेक्सचर है, लाइक क्रीमी बहुत आपके लिप्स पे अप्लाई हो जाता है. लॉन्ग लास्टिंग नहीं कह सकते, लिपस्टिक जैसी ही कंसिस्टेंसी है इसकी भी, लाइक आपको टचअप्स की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, तो आई वॉज रियली 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 अमेज्ड बाय इसकी क्वांटिटी और इसके पैकेजिंग से. तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं दूसरी वीडियो में फुल फेस ऑफ मेकअप बाय चीज़ मॉल से मंगवा के यूज़ करूँ. इसकी डिलीवरी भी काफ़ी टाइम बाद मुझे ये रिसीव हुआ है, जैसे कि अक्सर लड़कियाँ बोलती हैं कि हमें 20-25 डेज बाद मिला है, तो ये मुझे भी काफ़ी टाइम बाद मिला था, बट आई लव्ड इट.
तो ये थी सारी चीज़ें, आई होप कि आपको अच्छी लगी होंगी। साथ साथ मैं बताती चलूँ, मेरी क्यूटी क्यूटी हिबा का बैग मैं आपके साथ शेयर करूँ, जो कि मैंने राजा बाज़ार पिंडी से ख़रीदा है, वो भी मिनते कर कर के कर के उस आदमी से, क्योंकि वो बेच नहीं रहा था और मैं उसके पीछे पड़ गई थी। तो ये हिबा का नया बैग एंड आई एम सो इन लव विद इट, हिबा से भी ज़्यादा। अच्छा भाई, तो ये थी सारी चीज़ें, ठीक है। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो दबा के सब्सक्राइब बटन को मारो भाई, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सब कुछ करो, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।